मैं राम कुमार नैनू जी, सबड़ी पुटवाणा से, सांझा मोर्चा से। तो जो आज का जो बंद का सिस्टम पूरा हरियाणा के अंदर जो काल दी गई है, वो एक जो गुंडागर्दी करी जो हमारा ड्राइवर जसवीर जो दिल्ली डिपो के अंदर ड्यूटी पर था, वो सोनीपत डिपो की बस के दौरान सफर में जा रहा था, कुछ गुंडे आए, उनकी 4-5 बार आगे पीछे गाड़ी करी, कभी साइड दबाए दें, कभी ब्रेक मारें, कभी कुछ करें। आखिरी में उनसे ये पूछा गया, भाई आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कुछ नहीं सुना और अपनी गुंडागर्दी दिखाई और ड्राइवर के ऊपर से गाड़ी चढ़ाई, और कनेक्टर भी जख्मी है, कनेक्टर का भी पता नहीं अभी तक क्या हो सकता है ना हो सकता है, लेकिन कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं करी। इसके खिलाफ उसका लड़का ने आत्महत्या भी कर ली, भाई मेरे पिता का कोई न्याय नहीं मिला, इसलिए फिर ये पूरा रोडवेज और आम पब्लिक भी इसके साथ है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम पूरा हरियाणा का, जब तक ऊपर की काल नहीं आएगी स्टेट बॉडी की, जब तक ये बंद रहेगा, जब तक हमारी कोई सरकार से बातचीत नहीं होती, तब तक ये पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा। ये दुर्घटना हुई कैसे और कहाँ हुई? दुर्घटना तो ये सोनीपत डिपो की गाड़ी थी, जयपुर जा रही थी, तो कुंडली बॉर्डर के नज़दीक घटना हुई है। ये वो थार गाड़ी थी, उसमें 4 गुंडे थे, उन्होंने गाड़ी ऊपर से चढ़ाई है। इसमें 3 दिन का समय दिया गया था, कार्रवाई 3 दिन का समय दिया था, कार्रवाई नहीं हुई। उसी दौरान उसका लड़का और आत्महत्या कर गया, सल्फास खाई, भाई मेरे पिता ने कोई न्याय नहीं मिला, तो इसलिए ये उस घर में परिवार में 2 मौत होगी। इसलिए पूरा डिपो, पूरा हरियाणा रोडवेज पूरा शोक में है, इसलिए किसी का गाड़ी चलाने को मन नहीं करता, कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा, कहाँ क्या क्या घटना घट जाए, इसलिए सुरक्षा चाहता है। हमारी मांग है जी, हम नौकरी करने आते हैं, पब्लिक की सेवा करने आते हैं, हमारे को सुरक्षा चाहिए, हमारे को सेफ्टी नहीं है किसी प्रकार की, हमारे को 4 बाल पढ़ने वाले हों चाहे और दूसरे तत्व हों, किसी टीम भी पीट सकते हैं। हाँ, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, कई बार झगड़ा हो जाता है प्राइवेट के साथ, प्राइवेट वाले भी मारपीट कर देते हैं और पुलिस प्रशासन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करती। इस मामले में आप क्या चाहते हो? इस मामले में हम एक हैं, सरकार पुलिस के ऊपर पूरा शिकंजा करे, किसी के फोन ना आए, किसी के फोन ना सुने, तो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमारे को सेफ्टी मिले, ताकि ड्यूटी आरामदायक कर सकें। सुरेश दहिया सर। तो किस पोस्ट पर हैं सर आप? मैं ड्यूटी इंस्पेक्टर टोहाना सर। तो सर आप बताएंगे कि आज रोडवेज की हड़ताल है, क्या मामला है? रोडवेज की हड़ताल सर, एक सोनीपत डिपो, एक कोई दिल्ली डिपो की गाड़ी जा रही थी, उसमें सोनीपत डिपो के कर्मचारी बैठे थे, उसमें ड्राइवर बैठा था कोई जसवीर सिंह, वो उनका कोई किसी कार वाले के साथ कोई साइड को लेके कोई तकरार हुई, वो ड्राइवर नीचे उतर के जब उनसे कोई बात करने लगा तो उन्होंने गाड़ी को, थार गाड़ी को बैक करके उसको नीचे को चल दिया। जो हड़ताल है, इसमें अब तक कितनी बसें चलनी थी और कितनी बसें हैं रोडवेज? अभी तक अपने 9 टाइम निकले हैं जी, 3 जो अदर सिटी की गाड़ियाँ आ रही हैं। टोटल कितनी बसें हैं सर? टोटल बसें अपने पास 49 हैं सर। किलोमीटर स्कीम के हिसाब से कितनी है और सरकारी कितनी? किलोमीटर स्कीम की 5 गाड़ियाँ सर, 44 गाड़ियाँ हरियाणा रोडवेज की। इससे कितना काम होगा? इससे तो अब देख लो, सारा दिन में से अभी अपने 10-12 टाइम ही निकले हैं, काम तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। टोटल टाइम कितने हैं? टोटल टाइम तो लगभग 125 के आसपास है टाइम, कैथल, हिसार, फतेहाबाद और नरवाना के मिला के।